प्रश्न। एक व्यक्ति का कहना है, आयशा रदी अल्लाहु अन्हा की वो हदीस जिसमें उन्होंने 11 रकत नमाज के बारे में बात की है, वो तहज्जुद या वित्र की नमाज के बारे में है, तरावीह के बारे में नहीं है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? उत्तर। हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। तहज्जुद, वित्र और तरावीह की नमाज सभी क़ियामुल लैल अर्थात रात की नमाज या तरावीह की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन तरावीह विशेष रूप से रमजान में क़ियामुल लैल को कहा जाता है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के शब्द वास्तव में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज का उल्लेख करते हैं, जो हर उस नमाज को शामिल है जो आप रात के समय पढ़ते थे। बुखारी हदीस संख्या 3569 और मुस्लिम हदीस संख्या 738 ने अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से बयान किया है कि उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, रमज़ान के दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी? तो उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने या किसी अन्य महीने में 11 रकत से अधिक नहीं पढ़ते थे। आप 4 रकतें पढ़ते थे तो आप उनकी लंबाई और खूबसूरती के बारे में मत पूछे। फिर आप 4 रकतें पढ़ते थे तो आप उनकी लंबाई और खूबसूरती के बारे में मत पूछे। फिर आप 3 रकतें पढ़ते थे। मैंने कहा, हे अल्लाह के रसूल, क्या आप वित्र की नमाज अदा करने से पहले सो जाते हैं? तो आपने फरमाया, मेरी आँखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता है। इमाम नववी रहमतुल्लाह ने कहा, बुखारी में आयशा रदी अल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज 7 और 9 रकत होती थी। इसके बाद बुखारी और मुस्लिम ने इब्ने अब्बास की हदीस से बयान किया कि रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज 13 रकत होती थी और 2 रकत फज्र के बाद सुबह की सुन्नत पढ़ते थे। तथा जैद बिन खालिद की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हल्की रकतें फिर 2 लंबी रकतें नमाज पढ़ी और उन्होंने पूरी हदीस का उल्लेख किया और उसके अंत में कहा, तो वह 13 रकत हुई। काजी ने कहा, विद्वानों ने कहा है, इन हदीसों में इब्ने अब्बास, जैद और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुम में से प्रत्येक ने उस चीज़ की सूचना दी है जो उन्होंने देखा है। उद्धरण समाप्त हुआ। इन सहाबा में से प्रत्येक ने कुल संख्या का जिक्र किया है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में पढ़ा करते थे, जिसमें तहज्जुद और अन्य नमाजें शामिल हैं। हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने उल्लेख किया है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कथन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की समय की नमाज 7 और 9 रकत थी, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा अलग अलग समय पर हुआ है। तथा उनका अपने कथन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने या किसी अन्य महीने में 11 रकत से अधिक नहीं पढ़ते थे का मतलब यह है कि सबसे अधिक नमाज जो आप रात को पढ़ा करते थे वो यही है और आप इससे अधिक नहीं पढ़ते थे। जहाँ तक के उनके इस कथन का संबंध है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 रकत नमाज अदा की, तो हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने इसके बारे में 2 संभावनाओं का उल्लेख किया है। प्रथम संभावना यह है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रात की नमाज में ईशा की सुन्नत को जोड़ दिया है क्योंकि वो रात में पढ़ी जाती है, और दूसरी संभावना यह है कि हो सकता है उन्होंने उन 2 हल्की रकतों को जोड़ दिया हो जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज शुरू करते थे। हाफिज़ इब्ने हजर ने कहा, मेरे विचार में यह सबसे अधिक संभावित है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का तात्पर्य यह था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कुल कितनी नमाज पढ़ते थे, और यही बात विद्वानों ने उनकी हदीस से समझी है, और अल्लाह ताला ही सर्वाधिक ज्ञान रखने वाला है।